नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण पटवा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुले। दोस्तों, इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद बच्चों को अंक सूची ग्रेड सिस्टम वाला प्रदान किया जाता है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन से लेकर वर्तमान में जो भी भर्तियां मेरिट बेस या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के जिला एवं राज्य स्तर पे निकल रहे हैं, उन सभी में स्पष्ट रूप से प्रतिशत प्राप्तांक का उल्लेख संबंधी अंक सूची ही मांग किए जा रहे हैं। आप सभी प्रतिशत प्राप्तांक वाला परीक्षाफल अंक सूची अपने अध्ययनरत स्कूल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी जिस स्कूल से 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, वहाँ आपके पढ़ाई के दौरान जो भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्रति माह इकाई मूल्यांकन परीक्षाएं होती है, उसमें आपके द्वारा अर्जित सभी अंक रिकॉर्ड के रूप में रजिस्टर में अंकित होते हैं। किंतु आप सभी का वार्षिक परीक्षा होने के बाद फाइनल अंक सूची के रूप में प्रगति पत्रक दिया जाता है, जिसमें सिर्फ समेकित या सकल औसत ग्रेड का उल्लेख होता है। आप सभी उसमें यह समझ नहीं पाते हैं कि मेरा प्रतिशत कितना बना है, जो कि किसी भी फॉर्म को भरते समय जब प्रतिशत का फील्ड भरना होता है तो उलझनों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं यह फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जो आपके स्कूल रजिस्टर में दर्ज होते हैं। यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका डिटेल्स एवं आपके स्कूल के डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रति विषय में आपका एक्टिविटी किस प्रकार का था वह सभी यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ विषयवार टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल प्राप्तांक यहाँ देखने को मिलेगा और औसत ग्रेड आपका क्या बना है वह देखने को मिलेगा और यहीं पे आपके प्रतिशत का उल्लेख किया हुआ रहेगा। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे औसत ग्रेड यहाँ पे B+ दिया हुआ है। यहाँ पे इनका टोटल परसेंट 71.75 बना था, जिसमें यह कौन से ग्रेड के अंतर्गत आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ग्रेड B+ 71 से 80। के अंतर्गत आएगा, इसी प्रकार यहाँ पे औसत ग्रेड दिया हुआ है। अंक सूची में यह ग्रेड सिस्टम अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो सकता है। ग्रेड सिस्टम को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जिनका A+ ग्रेड दिया होगा अंक सूची में उनका प्रतिशत 91 से 100 के बीच में होगा, जिनका A ग्रेड होगा उनका 81 से 90 के बीच में होगा और जिनका B+ है उनका 71 से 80 के बीच में होगा, जिनका ग्रेड B होगा उनका 61 से 70 के बीच में प्रतिशत बना होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं। किंतु यदि आपके अंक सूची में A ग्रेड है तो आप यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि हमारा 81 है या 89 है या 90 है, तो इसीलिए आप सभी को इस प्रकार का अंक सूची जरूरत है जिसमें यहाँ पे प्रतिशत पूर्ण रूप से अंकित हो। अलग अलग स्कूलों में इस प्रकार का अंक सूची प्रदान किए हैं, जिसमें ग्रेड के साथ साथ कितने अंक सभी विषय में अलग अलग प्राप्त किए हैं एवं प्रतिशत कितना बना है उल्लेख किया गया है। इस प्रकार का अंक सूची आप सभी अपने स्कूल से प्राप्त कर लेंगे। पिछले फॉर्मेट में जो मैंने ग्रेड सिस्टम आपको दिखाया उसमें अलग देखने को मिला होगा और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम आप देख सकते हैं अलग देखने को मिल रहा है। प्रतिशत प्राप्तांक वाला परीक्षा फल अंक सूची प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का एक आवेदन लिखकर अपने स्कूल में दें। किसी किसी स्कूल में वहाँ के सर इस आवेदन को BO कार्यालय में देने के लिए बोल सकते हैं। उस परिस्थिति में वहाँ के प्रधान पाठक सर से इस आवेदन में हस्ताक्षर एवं स्कूल का सील आवेदन पर अंकित करा लेंगे। उसके बाद इस आवेदन को BO कार्यालय में जाकर देंगे। आप सभी इस आवेदन को दो प्रति में लिखेंगे, एक प्रति BO कार्यालय में देंगे एवं एक प्रति उनसे रिसीविंग के रूप में प्राप्त करेंगे और उसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यह प्रक्रिया आपको तब करना है जब आपको BO कार्यालय भेजेंगे। यदि स्कूल में ही इस आवेदन को देने के बाद आपका काम हो जाता है तो BO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको आवेदन लिखने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। शाला के अंतर्गत अपने स्कूल का नाम लिखना है एवं विकास खंड किसके अंतर्गत आता है एवं जिला आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप
यहाँ पे स्वयं का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने पिताजी का नाम, कौन से सन में उत्तीर्ण किया था और कौन सा कक्षा था उसे आपको लिखना है। यहाँ पे विषय के अंतर्गत भी यदि आपको पांचवी कक्षा का चाहिए तो पांचवी लिख लेंगे, आठवीं का चाहिए तो आठवीं लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी कक्षा आठवीं का चाहिए तो आठवीं, पांचवी का चाहिए तो पांचवी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा, रोल नंबर एवं विद्यालय का नाम ऊपर में यहाँ हस्ताक्षर कर लेंगे एवं यहाँ पे दिनांक जिस तिथि को आप यह आवेदन सबमिट करेंगे उसे लिख देंगे। आप सभी के साथ यह छोटी सी जानकारी शेयर करने का कोशिश किया हूँ। यह जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।